देवी के स्वरूपों का वर्णन अगर किया जाए तो शायद कई जन्म बीत जाएं। देवी महामाया के अनगिनत स्वरूप हैं और उन अनगिनत स्वरूपों के पीछे छिपे हैं अनगिनत रहस्य। देवी माँ के उन्हीं अनगिनत स्वरूपों में से एक है पश्चिम मुखी माता का मंदिर। कहते हैं कि माता का स्वरूप दिन में 3 बार बदलते हुए देखा जा सकता है। ग्राम बड़ोह के इस मंदिर में बताते हैं कि माता की प्रतिमा दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह माता की प्रतिमा कन्या रूप में नजर आती है तो दोपहर में युवावस्था में दिखती है और शाम होते ही प्रतिमा में वृद्धावस्था की झलक अपने आप दिखने लगती है। यही नहीं, देवी माँ के इस मंदिर को महाभारत कालीन का बताया जाता है। ग्राम बड़ोह में यह पश्चिम मुखी प्रतिमा स्थित है। यहाँ मान्यता है कि माता की प्रतिमा प्रतिदिन 3 स्वरूपों में नजर आती है। माता के इन स्वरूपों के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। वहीं महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य को बनाए रखने का आशीर्वाद माँ से प्राप्त करती हैं। पश्चिम मुखी 20 भुजा वाली माता की प्रतिमा दुर्लभ और अत्यंत सिद्ध मानी जाती है। इनको बगला मुखी माता का ही स्वरूप माना जाता है। उनकी आराधना शत्रुओं पर विजय के लिए की जाती है। बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था उस समय पांडवों ने मिलकर इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर माँ की आराधना की, जिसके बाद पांडवों को विजय प्राप्त हुई। पश्चिम मुखी माता का यह दरबार अपने आप में ही अनोखा है। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।